Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कैसे क्रिकेट खेलोगे? अरे क्रिकेट तो अमीर और ऊंची जाति के लोगों का खेल है, हम कैसे खेल सकते हैं? ये खेल हमारी औकात और काबिलियत से बाहर है। लेकिन मैं कहती हूँ ये जो क्या है वो क्रिकेट, ये क्रिकेट खेले या गिल्ली डंडा खेले या समंदर में डूबने और तैरने का खेल खेले, लेकिन सारी चाल वालों की तरफ से ये तय करने वाला कौन होता है कि जीत गए तो चाल मिल जाएगी, हार गए तो नहीं मिलेगी, है कौन ये? ए भीमराव, जो जहाज धीरे धीरे डूब रहा था और शायद उसके बच जाने की उम्मीद भी थी, पर तुमने तो बस एकदम से एक झटके नहीं डूबो दिया। अरे तुमको चुनौती स्वीकार करना इतने पसंद है तो अपन बर्बादी की चुनौती ले ना, चाहे अपने साथ साथ हम लोगों का भी घर से बेघर करें चाहते हो। और भाई लोग अब यहाँ से चलेंगे, तैयारी कर लो, देख लो अपन अपन जाऊन जहाँ जाए चाहत हो जाए, क्योंकि अब तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं। अब तो हम भी नहीं मानते कि कुछ हो पाएगा। अरे क्रिकेट में उन्हें हराना नामुमकिन ही है। अरे जब क्रिकेट देखा ही नहीं, क्रिकेट खेला ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? आप लोग जरा शांत हो जाइए, अभी इस वक्त चाल वापस पाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास। एक तो आप लोगों ने उनसे लिखित में कुछ लिया नहीं है, उल्टा खुद ही लिखकर दे दिया है कि चाल आपके हवाले कर रहे हैं, तो अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं हम? लेकिन भीम बेटा तू कैसे खेलेगा और तेरे साथ खेलेगा कौन? बुआ, जब रास्ता नहीं दिखता है तो हौसला ही काम आता है। खेलेंगे ना, और अगर जीतेंगे तो चाल वापस मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है बुआ कि भुवन काका की कुर्बानी को ये सबसे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन ये होगा नहीं, हार सुनिश्चित है। जब हार सुनिश्चित होती है और तब खेल जीत लिया जाए ना, तो उसे महान खिलाड़ी कहते हैं। और हम सबको यही साबित करना है काका कि हम अपने अपने जीवन में अपने अपने सपने पूरे करने के खेल के महान खिलाड़ी हैं। तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी शायद की चक्कर में कि शायद हम जीत जाएंगे, शायद हमें चाल मिल जाएगी, सब शायद इस खेल के चक्कर में है ना भीम, सब सड़क पर आ जाएंगे हम। अरे जीजा भाई, तुम अभी भी सड़क पर ही हो, देखो तो सही, भीम ने जो किया सही किया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।